अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। बुरे कर्मों को निष्क्रिय करना है, यानी कौन सा कर्म जो ये भुगतान करेंगे वो? जैसे कि आपको पता चला था कि मैंने गलत सोचा है, गलत भाव किया है, किसी की भी वृत्ति प्रति गलत तो मेरे अंदर आया हमेशा, तो पता तो चल गया, लेकिन फिर उसको अभी मुझे आगे मतलब नहीं करना है। जैसे मेरे को पता चला था कि गलत भाव किया है, मुझे गलत भाव मिले मुझे, तो उसका विश्वास। जो कर्म आपने चार्ज किए हैं इसके भुगतान तो कंपलसरी है। क्या है? राम को भी मालूम था कि हिंसा करना वो पाप है, मानते थे। हिंसा करना वो पाप, वो राम को मालूम था कि नहीं? फिर क्यों युद्ध किया? वही तो बात बात वही हुई, वो उसको डाल सके, हिंसा करना पाप है फिर भी डाल सके। वो तो उनको पता था कि उनके भाव तो अच्छे थे, जैसे उन्होंने युद्ध किया। तो आपने क्या कहा, भाव से क्रिया परिवर्तन हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो बदल सकते हैं भाव तो आप बदल सकते हैं, जैसा ज्ञान वैसा भाव। आपको अभी किसी के प्रति गुस्सा आ गया, फिर मालूम हुआ कि गुस्सा करने से फायदा क्या है, नुकसान तो हमें रहा है। गुस्सा करने का भाव आया, गुस्सा किया नहीं है, अंदर से गुस्सा आ गया, फिर लगा कि ये करने से फायदा क्या है, नुकसान तो हमको। इसको भी हम बदल सकते हैं। सिंपल बात है, मैं आपको सिंपल समझाऊं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है। अगर हमने 2.5 घंटे में पेपर लिख लिया, अभी आधा घंटा हमारे पास बाकी है, तो हम करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? कर सकते हैं। ऐसे अपने जीवन में भी हम नेक्स्ट बर्थ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ तक श्वास चलता है वहाँ तक कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। भाव में, क्रिया में नहीं कर सकते, भाव में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, जब भी आपको समझ में आएगा आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप समझे ना, कभी भी कर सकते हैं। 5 साल की उम्र में अगर आपने कुछ गलत भाव कर दिए हैं, अगर आपकी उम्र 95 ईयर्स की है, वो समझ में आया कि आपने गलत भाव किए थे, तो आज भी करेक्शन, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम फिनिश, तो कभी भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ना कुदरती कानून। करेक्शन ये करना है कि जैसे मैंने कोई व्यक्ति के प्रति द्वेष व्यक्त कर दिया उस समय, मगर 5 साल के बाद मेरे को मालूम हुआ कि ये भाव मैंने किए थे वो गलत थे, तो हम इसको कह सकते हैं कि जिस प्रकार की मेरी उस समय भाव की जो सोच थी वो सोच ठीक नहीं है, ऐसे भाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये भाव मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। वो संसार बढ़ाने के लिए, किसके लिए है, और हमको संसार समाप्त करना है, तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भाव मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। बस यही करेक्शन करना है। वो माइक ये बच्चे के पास है, इसको ले लो, इसको, हाँ हाँ बस इसको, हाँ भाव के वो याद करना हमारे हाथ में है, कर सकते हैं, भाव देख सकते हैं,
कोई भी भाव को हम याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, अटेंशन देंगे तो क्या बताया, कभी भी दे सकते हैं। जैसे हम अपना पेपर देख सकते हैं ऐसे भाव को भी देख सकते हैं। अटेंशन देना पड़ेगा, क्या बना क्या बताया तो कर सकते हैं आप, समझ में आए, कभी भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रायश्चित कैसे करेंगे? सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक का मतलब क्या है? नहीं, सामायिक का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण शब्द नहीं मैंने पूछा पहले। पहला प्रश्न मेरा यह है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामायिक? अपने स्व को देखना है या अपनी प्रकृति? ऑफकोर्स, अगर नहीं है तो फिर प्रक्रिया का मतलब ही कहाँ रहा, शब्द का मीनिंग ही नहीं रहा ना फिर। याद करना नहीं है, ये हमने भाव जो किए हैं वो भाव वो हम कभी भी देख सकते हैं। अभी ये जो भाव कर्म है वो द्रव्य कर्म में ट्रांसफर नहीं हुए हैं अभी। क्या बताया? द्रव्य का मतलब सील हो गया, बाद में नो कर्म यानी उसके भुगतान कंपलसरी है। तो जहाँ तक भाव कर्म द्रव्य कर्म में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, द्रव्य कर्म का मतलब होता है एग्जाम आपकी फिनिश हो गई, अभी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जाम किसके पास गई? कुदरत के पास। मगर जहाँ तक आपके पास है आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। पर सामायिक और प्रतिक्रमण ये दोनों इसके लिए हैं। सामायिक का मतलब होता है देखना और प्रतिक्रमण का मतलब होता है उसको सफाई करना। कभी भी देख सकते हैं, मगर मैंने कहा ना हमारा अटेंशन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए तो देख सकते हैं। हम अपने पूर्वभव भी देख सकते हैं अपनी क्षमता से, सब नहीं देख सकते हैं तो ये भाव तो देख ही सकेंगे ना, हमने क्या भाव किया है वो देख सकेंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो देख सकते हैं। वो उदय कर्म नहीं, वो अपना पुरुषार्थ में जाता है। सामायिक प्रतिक्रमण दोनों पुरुषार्थ में जाते हैं, क्रिया के रूप में परिणाम है, दृष्टि के रूप में पुरुषार्थ है। आप समझे ना, मैं यहाँ बैठा हूँ आंखें बंद करके वो परिणाम है, मगर मेरा जो आशय है कि मेरे को ये मेरी लाइफ देखनी है तो ये मेरा पुरुषार्थ है अंदर का। फिर उसके लिए क्षमा मांगना है वो मेरा पुरुषार्थ है, क्योंकि वो आंतरिक बाबत है, वो बाहर की बात, मैं बैठा हूँ वो उदय कर्म है, अंदर की प्रोसेस है वो पुरुषार्थ है। गलत है तो भी पुरुषार्थ है, सही है तो भी पुरुषार्थ है। समझ में आया? माइक में बोलिए। कुदरत का कानून ये है, इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। आपने जो कर्म किया उसका फल, मगर फल देने से पहले बीच में कानून चाहिए। क्या चाहिए? जैसे मैंने एग्जाम दिया तो रिजल्ट भी मेरे को मिलेगा, मगर रिजल्ट देने वाला कौन है? मैं स्कूल और कॉलेज में एग्जाम देता हूं तो रिजल्ट भी मेरे को मिलेगा ना, मगर रिजल्ट देने वाला कौन है? मैं सिंपल प्रश्न करता हूं कि हम स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं, रिजल्ट हमको मिलेगा, रिजल्ट देने वाला कौन है? टीचर अपनी मर्जी से देते हैं कि कानून से देते हैं? किसी को 10 में से 2 देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, वो अपनी मर्जी से देंगे, कानून से आपने जो लिखा है उसके मुताबिक वो आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, बराबर है। तो इसीलिए मैंने कहा ये कुदरत का कानून है, आपने जो कर्म किया है वो कर्म का फल कैसे मिलेगा आपको वो डिसाइड कौन करेगा? वो कुदरत करेंगे। तो इसको कहते हैं कुदरत का कानून, कुदरत नक्की करेंगे आपको। आपका जन्म कहाँ होगा वो हम डिसाइड करेंगे? कुदरत करेंगे। कल क्या होने वाला है हमको मालूम है? कौन करेगा?
कुदरत करेगा। क्यों करेगा? कानून के मुताबिक। कानून क्यों बनाए? कर्मों की भुगतान के लिए। अगर आप कर्म नहीं करोगे कुदरत कुछ नहीं करेंगी, इसीलिए तो मुक्ति है। अगर आपने कर्म नहीं बनाए तो कुदरत कुछ नहीं करेंगी, उसी का नाम क्या है? मुक्ति। मगर आपने कर्म किया है तो कर्म की भुगतान भी, मगर भुगतान कानून के मुताबिक। कुदरत अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को सुख और दुख नहीं दे सकते। समझा है? कुदरत अपनी मर्जी के मुताबिक सुख और दुख नहीं दे सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसीलिए ये कुदरत कानून के मुताबिक सबको फल देते हैं। ये कर्म का सिद्धांत क्या है? वो कुदरत का कानून है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? कुदरत का कानून है। हम यहाँ पैदा होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? कुदरत का कानून। जहां तक हमने कर्म बनाए हैं वहां तक इसकी भुगतान कुदरत के कानून के मुताबिक मिलेगी, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलेगी। और इसीलिए रामकृष्ण महावीर को भी अपने ही कर्मों की भुगतान करनी पड़े, उसमें कोई पसंदगी, क्योंकि कर्म तो कर दिया आपने, अभी तो भुगतान करना है। भुगतान में आपकी पसंदगी नहीं होती है, कंपल्सरी है। क्या है? भुगतान की समय अवधि अपने भाव की स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित है। क्या है? भाव का कितना स्ट्रेंथ है। अगर पाप भी बहुत भारी भाव से किया है तो उसकी लंबाई भी, लेंथ भी ज्यादा रहेगी और स्ट्रेंथ भी पाप की भी रहेंगी, ऐसे पुण्य के भी। आप समझे ना? आपने भाव किया है मगर वो भाव माइल्ड होगा तो भुगतान भी कैसे होगा, और अगर आपने पाप और पुण्य तीव्रता से किया है तो भुगतान भी तीव्रता से होगी। कर्मों के मुताबिक है। क्या है? नहीं समझ में आया? पुण्य पहले या बाद में कभी नहीं मिलता है। पुण्य और पाप हर चीज समय पे मिलती है। क्या बताया? पहले भी नहीं मिलेगी, बाद में भी नहीं मिलेगी, समय पे मिलेगी। और वो समय डिसाइड कौन करेगा? अभी आप समझ गए। कोई व्यक्ति 15 साल में शादी कर लेता है, कोई 25 साल में करता है, कोई 50 साल में भी करता है। करते हैं कि नहीं करते? सब कर्मों का फल है। अभी आप किसको आप जल्दी कहोगे, किसको लेट कहोगे? सब अपने कर्मों को मुताबिक होता ही रहेगा। उसमें किसी की पसंदगी हम बुद्धि से कहेंगे कि हम चॉइस के मुताबिक करते हैं, मगर कुदरत कहते हैं आपको जो कुछ भी मिलेगा वो चॉइस के मुताबिक नहीं मिलेगा, कर्म के मुताबिक मिलेगा। समझ में आता है? चॉइस के मुताबिक तो हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं, हम चाहे तब इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? जब श्वास में चॉइस नहीं है तो जीवन में चॉइस कहाँ से लाएंगे? सब कंपलसरी है। मैंने पहले भी कह दिया कि श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति के बाद है। हाँ, तो फिर समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं? उसमें चॉइस है नहीं? हाँ, उसमें चॉइस है, मगर चॉइस है तो खत्म हो गई ना बात। जब चॉइस नहीं है तो चॉइस नहीं है मतलब ही कंपलसरी। चॉइस नहीं का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? बस
आप कहते कि मैं काम नहीं करूंगा तो, मगर आपके पास चॉइस है ही नहीं, तो फिर ये बुद्धि से आप बोल सकते हैं, क्या बताया, बुद्धि से बोल सकते हैं मगर चॉइस नहीं है, कंपलसरी है। क्या है, श्वास लेना भी कंपलसरी है और मन वचन का है कि हर क्रिया कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं था, राम के पास नहीं था, तभी तो वनवास जाना पड़ा। राम ने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने के लिए, मगर फेल हो गए, बोलते नहीं है, तो चॉइस नहीं थी उनके पास। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, क्यों, चॉइस नहीं थी, बोलते नहीं है। चॉइस होती है, जेल में पैदा होते, महावीर के कान में सुर लगाई तो क्या था, वो चॉइस थी। पूरा जीवन ही 100% परिणाम है, कंपलसरी है, उसमें चॉइस कहाँ से लाओगे, ये चॉइस है, वही तो हमारी मिथ्या बुद्धि है, क्या है, और वही चॉइस हमको परेशान करती है, मैंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तभी तो राग द्वेष होते हैं, यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। हमारे पास पसंदगी नहीं है, फिर भी मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, और इसीलिए सामने वाले को भी मानता हूँ कि उन्होंने किया, तभी तो राग द्वेष होते हैं ना, ये मेरा है ये तेरा है, वो क्यों कहते हैं, अज्ञान है। जब शरीर भी मेरी चॉइस नहीं है तो साधन संपत्ति सत्ता संबंध कैसे चॉइस होगी, मगर है नहीं, मगर अज्ञानता से हम मानते हैं, समझ में आया, तो ये बात समझनी है। बोलिए, पुरुष और स्त्री तो लौकिक मान्यता है, पुरुष और स्त्री का इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अज्ञान जाना चाहिए, क्या बताया, बस ये इम्पोर्टेंट है। पुरुष स्त्री तो लौकिक है, अगर आपके अंदर आपका ही आत्मा के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी और अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेंगे तो फिजिकल बॉडी तो पुरुष का अपने आप मिलेगा, कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए वो डिमांड की जरूरत नहीं है, वो कॉज के हिसाब से रिजल्ट के रूप में मिलेगा। ये इसका साइंस है, क्या है, ये बॉडी जो फिजिकल मिलता है उसके पीछे कुदरत का साइंस क्या है, कुदरत का कानून क्या है, इसके पीछे क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया और लोभ, जिसमें क्रोध और मान बढ़ जाता है कर्मों के अंदर, क्या बताया, कर्मों के अंदर क्रोध और मान बढ़ जाता है मोर देन 50%, तो उसको पुरुष का बॉडी मिलता है। जिसको माया और लोभ का परसेंटेज बढ़ जाता है तो स्त्री का बॉडी मिलता है, आप समझे, ये कॉम्बिनेशन है, नेचुरल कॉम्बिनेशन, ये किसी ने बनाया नहीं है। इसमें से जैसे कोई 55% क्रोध मान माया, क्रोध और मान होता है, और 45% माया और लोभ होता है, तो वो पुरुष तो बनेंगे, मगर वो पुरुष कैसा बनेंगे, जो स्त्री के अंदर 55% माया और लोभ रहेगा और 45% क्रोध और मान रहेगा, तो वो भाईड़ा छाप स्त्री बोलेंगे और ये बायला छाप पुरुष, समझ में आ गया। मगर 75% से ऊपर होता है तो उसको स्टैंडर्ड स्त्री और पुरुष बोला जाता है, क्रोध और मान 75% है तो वो स्टैंडर्ड पुरुष बोला जाएगा, आप समझे ना, और यहाँ कपट और लोभ 75% से ऊपर है तो स्टैंडर्ड स्त्री बोला जाएगा। तो इसीलिए ये सब ये कुदरत का कानून है, कैसे कानून है, कुदरत अपनी मर्जी से नहीं करते, कानून से करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कुदरत का कानून, ये कोई धर्म का कानून नहीं है, ये कोई रामकृष्ण महावीर ने नहीं बनाया है, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर।